कैथल से, जहां नेशनल हाईवे पर बेखौफ बदमाश नजर आए हैं। सड़कों पर बेखौफ घूम रहे थे बदमाश, तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। राहगीरों की, वाहन चालकों की गाड़ी रुकवाकर हमला किया गया है। नेशनल हाईवे 152D का ये मामला है। गुंडागर्दी का वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो डीएसपी ने एसएचओ को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। तो कैथल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नेशनल हाईवे 152D पर बदमाशों की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। वाहन चालकों के वाहन हाईवे पर रुकवाकर हमला किया गया। अब डीएसपी की ओर से मामले में गहनता से जांच के आदेश एसएचओ को दिए गए हैं। तो मामले का वीडियो भी वायरल हो रहा है, वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। 152D कैथल का मामला, सरेआम गुंडागर्दी की गई है। बीच हाईवे की गुंडागर्दी किए जाने का, हमला किए जाने का मामला सामने आया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये 152D की तस्वीरें हैं, जहां देखिए किस तरह से हमला ये किया गया है। तो बीच हाईवे के जमकर गुंडागर्दी की गई है, उत्पात मचाया गया है। टोल के पास की तस्वीरें ये प्रतीत हो रही, जैसा कि आप देखते हैं। तो यहां हमला किया गया है, वाहन चालकों को रुकवाकर उनका वाहन रुकवाया गया, उसके बाद हमला किया गया है। तो तस्वीरों में आप 4 से 5 लोगों को देख रहे हैं। अब डीएसपी की ओर से कहा गया है कि इस मामले में गहनता से जांच की जाए। चलिए, विपिन शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। विपिन, ये तस्वीरें तो वायरल हो रही हैं, किस तरह से हाईवे पर जमकर गुंडागर्दी की गई है, लेकिन पुलिस की जांच की बात करें तो क्या कुछ किया गया कि अभी तक जांच के नाम पर? जी, अभी तक जांच के नाम पे कुछ भी नहीं किया गया है, सिर्फ शिकायत लेकर रख ली गई है। बोला गया कि हम सीसीटीवी फुटेज सुना लेंगे, हम इसकी जांच करेंगे, क्योंकि जो पुलिस कर्मी है पूरे इलेक्शन में लगे हुए हैं, जितनी भी शिकायतें आ रही हैं इसी तरह रखी जा रही हैं, कहीं ना कहीं इग्नोर हो रही हैं। ये पहला मामला नहीं है इस नेशनल हाईवे पे 152D पर, ये पहले भी इस तरह के मामले आते रहे हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस वक्त सीसीटीवी कैमरे में मामला कैद हुआ, और ये लोग भी 6 लोग थे गाड़ी के अंदर। अदरवाइज अगर ये अकेला होते हैं, इनके साथ तो महिला होती, तो इनके साथ बड़ी वारदात भी हो सकती थी। और तस्वीरें चूंकि वायरल हैं, क्या आरोपियों की पहचान हो गई है, और क्यों वाहन को रोका गया, क्यों हमला किया गया, क्या कारण इसके पीछे? जी, आपको बता देंगे, रात को टोल प्लाजाओं पे ही अक्सर घटनाएं, इधर कैथल के नजदीक थाना से आगे वाला जो टोल प्लाजा है उससे भी होती रहती है। 152D पे ये मामला सीसीटीवी फुटेज की वजह से सामने आया है। अभी तक टोल प्लाजा के ऊपर की घटना है, टोल प्लाजा की सिक्योरिटी कहाँ थी ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, टोल प्लाजा वाले कहाँ थे ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, टोल प्लाजा पे ये लोग क्या कर रहे थे, टोल प्लाजा के लोग क्या कर रहे थे, ये सब सभी बातों पर प्रश्न चिन्ह है। कहीं ना कहीं टोल प्लाजा पे जो कार लोग थे उनकी सहमति थी, उन्होंने इसकी शिकायत उन्होंने कभी किया थी, बकायदा पीड़ित ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। विपिन, क्या लूट की मंशा थी या फिर केवल दहशत फैलाने की, गुंडागर्दी करने की? जी बिल्कुल, इनकी मंशा लूट की थी। ये हाथ में गिनासी और लाठियां लिए हुए थे। अगर गाड़ी के अंदर 6 लोग ना होते तो एक बड़ी लूटपाट भी हो सकती थी, और किसी बड़ी घटना को अंजाम भी दिया जा सकता। बहुत शुक्रिया विपिन, ये पूरी जानकारी आपने दी। कैथल का मामला, 152D की तस्वीरें, टोल प्लाजा के पास की तस्वीरें, जहां ये गुंडागर्दी की गई है। रात की तस्वीरें हैं जिनके आधार पर जांच का दावा पुलिस कर रही है।